नमस्कार, मैं प्रोफेसर पांडे राजीव नैन, ललित कला विभाग, डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय लखनऊ में कार्यरत हूँ। मुझे यह जानकर अत्यंत प्रसन्नता हुई कि अचीवर्स जंक्शन द्वारा पांडे कपिल जी अर्थात मेरे बड़का बाबू जी का जन्म समारोह मनाया जा रहा है। सबसे पहले तो इस जन्म समारोह आयोजित करने के लिए आयोजकों का बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं इस कार्यक्रम की सफलता की कामना भी कर रहा हूँ। पांडे कपिल जी को की जब चर्चा होती है तो उनके साहित्य, उनके कृतित्व के विषय में बहुत सी बड़ी बातें होती हैं, लेकिन मैं एक पारिवारिक सदस्य होने के नाते कुछ ऐसे तथ्यों पर भी एक छोटी सी घटना, छोटी सी कुछ चीज़ें जो संवेदनशीलता से जुड़ी हुई हैं, उनका जो जुनून था उसके बारे में मैं कुछ घटनाओं का जिक्र करना चाहता हूँ। पांडे कपिल जी जिस तरह से भोजपुरी के लिए समर्पित थे, मैंने किसी भी व्यक्ति को किसी संस्था के लिए, खासकर साहित्यिक संस्था के लिए जहाँ उनका कोई भी व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं था, इस तरह से इस जुनून के साथ काम करते हुए मैंने किसी को आज तक नहीं देखा। मैंने वो दिन भी देखा है जब पांडे कपिल जी झोले में मैगजीन्स लेटर्स लेकर खुद पैदल ईस्ट गार्डनर रोड अखिल भारतीय भोजपुरी साहित्य सम्मेलन कार्यालय से, जो उनका आवास भी था, वहाँ से पैदल जीपीओ जाते थे और पोस्ट करते थे। कभी कभी हम लोगों को भी अपने साथ ले जाते थे जब ज़्यादा सामग्री हो जाती थी। कभी कभी होता था कि बच्चों को बुला लेते थे कि इस पर स्टाम्प लगा लो, और पूरे परिवार को जिस तरह से उन्होंने साहित्यिक माहौल दिया, निश्चित रूप से ये मैं ही नहीं, मेरे जितने और भाई बुआ के लड़के और जितने लोग भी साहित्यिक विधाओं से जुड़े हुए हैं, उन सबके लिए आदर्श पुरुष थे। आज वो हम लोगों के बीच नहीं हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि उनकी जो आभा है, उनका आभा मंडल जिस तरह से पूरे परिवार पर आज भी छत्रछाया के रूप में हम लोगों के साथ है, निश्चित रूप से हम लोगों को एक बहुत बहुत दूरगामी और आने वाले जनरेशन्स के लिए भी एक सुखद एहसास दिलाता है। एक बार पुनः अचीवर्स जंक्शन को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं।